लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अले मेरी गुलिया, बाबा आ गए। भाभी सा इस पर हाथ रख दीजिए। घर में लक्ष्मी आने की खुशी में ये बख्शीश लोगों में देना चाहता हूँ। कुंवर साहब का जन्म मुबारक हो मालिक। बैठिए बालक। बधाई हो हुकुम। आओ बेटा विक्रांत। शुक्रिया। ये बेटा आपके खानदान के नाम को रोशन करे। अलकराम जी, बालकराम जी ध्यान रखिए, सबको मिलना चाहिए। जी हुकुम। बेटा चौधरी खानदान में पैदा हुआ है, ये बात सबको पता तो चल जाए। रईस तो बहुत सारे हैं उदयपुर में, लेकिन वहां तो सिर्फ लड्डू ही मिलेंगे मुंह मीठा करने के लिए। चांदी के सिक्के कहां पाएंगे? नरेश सिंह जी, सब में बांट दीजिए। जी हुकुम। और ध्यान रहे, सोने के सिक्के हैं, सबको मिलने चाहिए। उदयपुर के और रईसों को पता तो चले, राठौर खानदान में जब लड़कियां पैदा होती हैं तब भी सोने के ही सिक्के बांटे जाते हैं। मम्मी। कैसे हो तुम? अरे 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 मेरा राजकुमार। देवर साहब, छोड़ा दे, गोद में ले लो। देखो कैसे टकटकी लगाए देख रहे हैं। अरे गोद भी लूंगा और माथा भी चूमूंगा, लेकिन पहले हमारी रानी सा को शगुन तो दे दूं। इतना खूबसूरत तोहफा तो इन्हीं से मिला है। सब कहते कि चौधरी खानदान में एक और चिराग है, हम कहते कि चौधरी खानदान में एक शेर आया। शेर? देखिए भाभी साहब, राठौर खानदान में एक और परी आई है। हमें दुश्मनों की हवेलियों की खिड़कियों के बंद होने की आवाज सुनाई दे रही है। अल्ले ले ले ले, अल्ले ले 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 ले।
आइए मुझे दीजिए। ये तो चमत्कार जैसा ही है, ऊपर वाला भी ना। हो सकता है ये बच्चे सालों से चले आ रहे इन दोनों परिवारों की दुश्मनी को पाटने का जरिया बने। जरिया ना भी बने, पर इन बच्चों की वजह से कोई भी बड़ा अनर्थ ना खड़ा हो। Will you be my Valentine? I was talking about her. Sorry, sorry. चलो चलो, class start होने में 5 मिनट बाकी हैं. Let's go. चलो. अरे but करण कहाँ है? अरे यार, कॉलेज में मेरे दीवानों की कमी है क्या? You know, I'm always flooded with Valentines. आखिर चूज तो मुझे ही करना है। देखते हैं कि आज मैं किसको रिजेक्ट करती हूँ। ओके बाय। बड़ी साजिश कम बेटा, लव स्टोरी है। हे शकीरा, क्या हुआ? वैलेंटाइन कोई और है क्या? अगर है तो बताओ, मैं पीछे हट जाता हूँ, मुझे बुरा भी नहीं लगेगा, हम दोस्त फिर भी रहेंगे। क्यों बेचारी का दिल तोड़ता है यार? एक दिन के लिए वैलेंटाइन बन जाता तो क्या जाता? चल चल, हाँ बोल दे। Yes, Krishna is right. You should agree to pick her Valentine's Day date. करण के हाँ बोलने पे ये हालत है, अगर मैंने हाँ बोल दिया तो सीधा ऊपर जाएगी। यार की खुशी में ऐसा होता है। तुम लोग जाओ अपना अपना काम करो और हमें अपनी दुनिया में जीने दो। Come check darling. मजाक बनने से बचा लिया, पर जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा था ना, तब उन लंगूरों की शक्ल देखने लायक थी। शकीरा, वो लोग अभी भी हमारे पीछे आ रहे हैं। कंटिन्यू कंटिन्यू। अच्छा डार्लिंग, तो मुझे ये बताओ कि तुम मुझे वैलेंटाइन डे के लिए कहाँ ले जा रहे हो? तुम बताओ कहाँ जाना चाहती हो? नो, प्लेस ऑफ योर चॉइस। तुम बताओ। तो फिर मिकानोस चलते हैं। नो, प्लेस ऑफ माय चॉइस। आपको
क्लब चलते हैं। ओके ठीक 7:30 PM एक्वा क्लब के सामने। ओके ओके वो अभी भी देख रहे हैं। हाय करिश्मा। हाय राजवीर। सॉरी एक मिनट लेट हो गया। नो प्रॉब्लम। कितने सालों बाद मिल रही हो तुम्हें। बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। हाय। हाय। चले। हाँ चल। चले। चलो चलो। खींची चली मैं आ गई
falling in love. नजारे कई मगर दो जहां में नहीं कोई तुझसा हसीन. करण, क्या खाओगे? कुछ भी मंगा लो. Get him anything. और तू क्या खाएगा? मेरा क्या है, जो आएगा खा लूंगा. तू भी कुछ भी खाएगा? चलेगा. Will you also share with them? Yes, yes, we're all friends. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Karishma. Happy birthday to you. कमाल है यार, तेरा बर्थडे इधर और वो केक काट रही है उधर. क्यों? अरे यार कृष्णन, क्यों क्या, उसका भी बर्थडे होगा. Happy birthday निमी शिमी किमी, जो भी नाम है तुम्हारा. Thanks. Lucky Rocky Jockey, जो भी नाम है तुम्हारा. Many many happy returns of the day. Thank you. Wow. आ गया करण का केक. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Lucky Rocky Jockey, जो भी नाम है तुम्हारा. Thank you. Nimi Simi Kimi, जो भी नाम है तुम्हारा. चलें? चलो. अबे कहाँ कनेक्शन जोड़ रहा है? उसके साथ पहले से एक है. मैं तो बस उसी को देख रहा था. उसका नाम करिश्मा है. अपने कॉलेज में समर सेमेस्टर के लिए आई है. लेकिन जो लड़का उसके साथ है, उसे तो मैंने पहली बार देखा है. Yeah.
सॉरी। इट्स ओके। लेकिन एक वादा करो। क्या? इस तरह किसी और से नहीं टकराओगी। ठीक है, लेकिन एक प्रॉमिस करो। क्या? इस तरह किसी और से नहीं टकराओगे। जी बुआ जी, ये ले दूध पी ले। बुआ जी मुझे नींद आ रही है और मेरा मूड नहीं है। अरे व्हाट डू यू मीन मूड नहीं है? यहां रख रही हूं, पी लेना। मूड नहीं है हाँ? हाय संध्या दीदी, कैसी है? अच्छा एक बात बता, वैलेंटाइंस डे कैसा रहा? बहुत अच्छा। और वो कैसा लगा? वो अच्छा है, थोड़ा सा पागल है। तो मैडम कितने मार्क्स दिए आपने उसे? 8 out of 10। थैंक गॉड तुझे वो अच्छा लगा। तू राजवीर के साथ बहुत खुश रहेगी। राजवीर? हाँ हाँ राजवीर। कमाल है, तू इतनी जल्दी उसका नाम भी भूल गई। नहीं 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 नहीं, पर मुझे उसका नाम नहीं अच्छा लगा। मैंने उससे कहा अपना नाम बदल लो, लकी रॉकी जॉकी कुछ भी चलेगा, ये राजवीर नहीं चलेगा। फिर वो तैयार हो गया। तू भी ना एकदम पगली अब। अच्छा दीदी मैं कल बात करती हूँ, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। चल अपना ख्याल रखना, गुड नाइट। पता नहीं क्या होगा इसका। किसका? करिश्मा का? नहीं राजवीर का। उसका नाम पसंद नहीं है तो बोला नाम बदल लो। ठीक कहा उसने, ये भी कोई नाम है? और कितने अच्छे नाम पड़े हैं, राहुल रोहित सिद्धार्थ आदित्य करण, है ना? माँ आप भी ना। इंडिया में पेरेंट्स का ये बड़ा प्रॉब्लम है, अपनी पसंद का कोई लड़का लिया और लड़की का हाथ उसके हाथ में दे दिया, बिना ये सोचे या समझे कि लड़की की पसंद क्या है, उसे क्या ठीक लगता है क्या गलत लगता है। बिल्कुल, इंडिया की ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि बाकी सब प्रॉब्लम छोटे छोटे लगती है। तुम भी अग्री करते हो? 100%। ग्रेट। तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। धीरे बोलो, बुआ जी जाग जाएगी। लेकिन तुम भी तो जोर से बोल रही हो। तुम यहाँ आए कैसे? गेट को फोन कर, बहुत रिस्क लिया मैंने। ये देखो मुझे चोट भी लगी है, अब तुम मुझे पागल कहो, सरफिरा कहो, दीवाना कहो, जो कुछ भी कहो। नहीं तुम्हारे लिए तो कोई दूसरा नाम सोचना पड़ेगा। मैंने कोई लव स्टोरी या नॉवल में तुम जैसा कैरेक्टर नहीं देखा है। अब चलो तुम जाओ यहाँ से, बुआ जी उठ जाएंगी, उन्हें पता चल जाएगा तो। अब ये नहीं होगा मुझसे। देखो मैंने रात को आने का रिस्क तो ले लिया है, अब जाने का रिस्क नहीं ले सकता। वो सब मुझे नहीं पता, तो फौरन उठो यहाँ से और जाओ। आंटी जाग जाएगी। एक बात सोचो जरा, ये जो हमारे साथ हो रहा है ना, तुम कर रही हो ना मैं कर रहा हूं, बस हो रहा है। और ये जो हो रहा है बुरा तुम्हें भी नहीं लग रहा है? तुम्हें बुरा लग रहा है क्या? नहीं। तो फिर बैठ के बातें करो, मेरे बारे में जानो, अपने बारे में बताओ। मेरा नाम करण चौधरी है और मैं उदयपुर से हूँ। उदयपुर? उदयपुर से तो मैं भी हूँ। सी,
बातों बातों में हमारा एक शहर का रिश्ता तो निकल ही गया। मैं कहता हूँ करिश्मा। अरे, मैंने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया। यहाँ से निकला है, यहाँ से। ओह माय गॉड, वहाँ से इतना सच निकलता है? यही तो वो जगह है जहाँ से सब सच निकलता है। तुम भी ना, बस इसकी सुनो, इसकी अंकल आंटी का डर दिमाग से निकाल दो और इस रात को समझो, माहौल को समझो, मुझे समझो और खुद को समझो। ठीक कह रहे हो तुम, ना ये वक्त लौट कर आएगा, ना ये रात लौट कर आएगी। सपने भूल जाते हैं, नींद भूल जाती है, दूध भूल जाती है। अरे तुम हंस क्यों रहे हो? एक्चुअली मैं सोच रहा था, अगर तुम्हारे गेट पर कुत्ता होता तो या तो वो हॉस्पिटल में होता या मैं। धड़कता है क्यों क्यों क्यों, क्यों प्यार होता है क्यों क्यों क्यों, सीने में दर्द होता है बार बार क्यों क्यों क्यों, ओ दिल क्यों धड़कता है क्यों क्यों क्यों, क्यों प्यार होता है क्यों क्यों क्यों, सीने में तो होता है मुझे, तू मेरी सोच है, मेरा एहसास है, मुझ में शामिल है तू, तू मेरे पास है, बस तू ही खास है। दिल क्यों धड़कता है क्यों क्यों क्यों, क्यों प्यार होता है क्यों क्यों क्यों, सीने में दर्द होता है बार बार क्यों क्यों क्यों, Every time I see you, every time I come around, I'm sure I'm falling for you, frozen in love. तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत मिस कर रहा था तुम्हें। What? शाम तक तो हम साथ में थे। हाँ, लेकिन फिर हमने साथ डिनर नहीं किया ना, तो मैंने सोचा साथ में आइसक्रीम ही खा ले। ओके, लेकिन आइसक्रीम कहाँ है? ये रही। ये आइसक्रीम है? ये तो सिर्फ कोन है, आइसक्रीम यहाँ है। सॉरी, वो मेल्ट हो रही थी तो यू नो आई। या आई नो, थैंक यू। अरे अरे आ,
करण क्या हुआ? अरे करण, what happened? करण, करण, are you all right? करण क्या हुआ? करण, करण क्या हुआ? क्या हुआ? You, I'm going to kill you. ये ले, पूरी तरफ फिनिश कर लेना वरना मैं आगे से बनाने वाली नहीं हूँ। हाँ पुरुषोत्तम राधो, हेलो। हाय मम। करण, हाउ आर यू बेटा? मम्मा, ये राठौर फैमिली के साथ हमारा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है क्या? मेरा मतलब है कि आप सब कुछ ठीक ठाक है ना बेटा? ये नाम तेरी जुबान पर कैसे आया? क्या किसी ने कुछ बोला? नहीं नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेरे कॉलेज का एक फ्रेंड है जो उनका कोई दूर का रिश्तेदार है। करण, आर यू ओके? मैंने कहा ना मॉम, कोई खास बात नहीं है। अच्छा मॉम, मैं आपको फिर फोन करता हूँ। सिर्फ यही मिली थी प्यार करने के लिए? लड़की मिल गई, दोस्तों को भूल गया है। कहाँ था तू कल? हैना के घर वेट कर रहे थे, फोन मिलाया था, स्विच ऑफ जा रहा था। भाई वो कुछ पूछ रहा है, जवाब देना। मैं जहाँ था वहाँ नेटवर्क नहीं था। क्या? पर तू था कहाँ? चांद पर गया था हनीमून के लिए। अरे अरे करण, क्या हुआ इसे? करण, करण, did you guys have a fight? नहीं। करण,
कॉलेज में तुम मेरे सामने से गुजरे, मैंने तुम्हें आवाज भी दी, तुम रुके नहीं। करण, दो दिन से ना कोई फोन ना कोई मैसेज। मैं जब तुम्हें फोन करती हूँ तुम काट देते हो। क्यों अवॉइड कर रहे हो तुम मुझे? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है जो इस तरह से लोगों के बीच में आकर तमाशा बना रही हो? देखो, तुमसे बात करने और एसएमएस करने के अलावा भी मेरे बहुत सारे काम है यहाँ पे। मैं अपने फाइनल्स की तैयारी में बिजी था। मतलब तुम इतने बिजी हो कि मैं कब क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, इसमें मुझे ना किसी की इंटरफेरेंस की जरूरत है ना किसी की एडवाइस की। सो प्लीज। One more, please. One more. क्या हुआ करिश्मा? मुझे बताएगी? Karan, please tell us what's the problem between you and Karishma. One more. हमारा ब्रेकअप हो गया है। What? क्या बकवास कर रहा है यार? ठीक कह रहा हूँ। जब आगे कुछ होना ही नहीं है। फोटो भेजी थी, माँ ने रिजेक्ट कर दी। मैंने डिसाइड किया है लाइफ में सब कुछ अपनी मर्जी से करूंगा, लेकिन शादी माँ की मर्जी से। सुनो करण, कुछ तो गड़बड़ है तुम दोनों के बीच में जो तुम हम सबसे छुपा रहे। करिश्मा बहुत टेंशन में और मैं उसे अभी ला रही हूँ। मुझे इससे कोई बात नहीं करनी है, मैं जा रहा हूँ। अरे करण, मेरी बात। Yes, I'm drunk. Now come on. Leave me. छोड़ो मुझे. बताया तुमसे क्या हुआ है और क्या हो सकता था? ना खुद का होश ना कपड़ों का, लोग खेल रहे थे तुम्हारे साथ। वो सब कुछ हो सकता था कि फिर तुम यहां बैठी नहीं होती, किसी टावर के नीचे लाश पड़ी होती तुम्हारी। लाश तो अभी भी पड़ी मिली होगी करण, क्योंकि अगर तुम मुझे खुद से अलग करते हो तो मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। And I'll do it. I'll definitely do it, Mr. Karan. Without having tequila. Karishma. Karishma. I'm sorry.
अरे राजवीर, तुम कब आए और तुम बाहर क्या कर रहे हो? अंदर आओ। नो नो, इट्स ओके। क्या नाम है उसका? करण। प्यार करती हूँ उससे? हाँ, मगर ये सब कुछ ही दिनों में हम मिले और न जाने कैसे। नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ, ऐसा हो जाता है। बल्कि हो क्या जाता है, ऐसा ही होता है। और इसमें गलत क्या है? और बात इतनी बड़ी भी तो नहीं है ना। आई मीन, हमारी एंगेजमेंट होने वाली थी, हुई तो नहीं है। बिगड़ा क्या है अभी? इंडिया जाकर अपने पापा से कहना कि तुम करण को चाहती हो और उसी से शादी करना चाहती हो। आई एम श्योर ही विल सपोर्ट यू। हर पेरेंट्स को अपने बच्चों की खुशी का ख्याल रहता है। ओके ओके, मैं समझ रहा हूँ। तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, बट डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं वहां चलकर सब ठीक कर दूंगा। कैसे? सिंपल है यार। पहले मैं जाकर कहूंगा कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं किसी और लड़की को चाहता हूं। और इसके बाद तुम मौका देकर करण की बात कर देना। सिंपल। राजवीर, इतना आसान नहीं है। डैडी को लेकर मैं बहुत डरी हूं। ये डर तो तुम निकाल दो, क्योंकि प्यार करने वालों का साथ तो भगवान भी देता है। हमें बस उदयपुर पहुंचकर शादी की तैयारियों को रोकना पड़ेगा। तैयारियां? हाँ, तैयारियां। तुमसे मिलने के बाद मैंने माँ से कहा कि करिश्मा से अच्छी लड़की तो मुझे मिल ही नहीं सकती है। बस फिर क्या था, सब लग गए काम पे। हमारी सगाई की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हमें चलकर फौरन ये सब रोकना पड़ेगा, नहीं तो दोनों फैमिलीज के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। इसलिए हमें कल ही उदयपुर के लिए निकलना पड़ेगा। कल? कल। गुड नाइट, अपना ख्याल रखना। सुकेतु, अब शकीरा कैसी है? अब तो ठीक है यार, पर उसे हुआ क्या था? डॉक्टर ने कहा उसने स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज ले लिया था। स्लीपिंग पिल्स? पता नहीं क्यों यार। चल। मैं सब संभाल लूंगा करिश्मा, लेकिन तुम बिल्कुल परेशान मत होना। मैं सब ठीक कर दूंगा। थैंक यू राजवीर। थैंक यू नहीं, ये सब मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ, और मेरी खुशी है तुम्हारा खुश रहना। तुम्हें लेने कोई आया या ड्रॉप कर दूं? दीदी आई है ना। ओके, टेक केयर, बाय। शादी को लेकर घर में सब बहुत खुश है, खासकर पिताजी। ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। कह रहे थे ऐसी शादी करनी है तेरी कि उदयपुर वाले लोग सालों साल याद रखें। 25 हाथी मंगवाए मैसूर से,
अरे तू का खोई हुई है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कितने कॉल्स किए तुम्हें? कहाँ बिजी थे तुम? शकीरा को लेके हॉस्पिटल गया था। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? घर भूल गया था। शादी के लिए रिजेक्ट क्या किया किसी ने कि उसने स्लीपिंग पिल्स खा लिए। Is she okay ना? Yeah, she's much better now. Okay. लेकिन तुम उदयपुर अचानक? हाँ वो मैं बताती हूँ तुम्हें। लेकिन अचानक क्यों? मैंने कहा ना बाद में बताती हूँ। ओके टेक केयर बाय। कौन था फोन पर? करण, मेरे कॉलेज का फ्रेंड है। ये मैसूर से घोड़े क्यों मंगा रहे हैं डैडी? तू भी ना एकदम बदली है, बिल्कुल नहीं बदली। माँ सुबह से इंतजार कर, लो बाहर ही खड़ी हुई है। आ गई मेरी करिश्मा। ओ, मेरी बच्ची। कैसी हो माँ? कितनी दुबली हो गई मेरी बिटिया, कितने फूले फूले गाल थे जब यहाँ से गई थी। अरे माँ तुम्हारे हाथ की दाल बाटी खाऊंगी फिर गाल फूल जाएंगे। डैडी कहाँ है? ऊपर है ताई जी के साथ। चले जाओ। चुनीलाल जी, जी। जयपुर के पूरन मल के यहाँ से ही लोगों को मंगवाइए। जी। मिठाई पकवान में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी अच्छा। वैसे पंडाल और गाने बजाने का तू ही देख रहा है ना बेटा? जी माँ सा। शादी में हर चीज बड़ी ठाट बाट की होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और एक बात याद रखो, सुनना सबकी लेकिन करना वही जो मैं बोलूं। चुनीलाल जी हुकुम। वही करिएगा जो भाभी सा बोले। जी। ताई सा। अरे अरे गुड़िया रानी। मेरी गुड़िया, मेरी लाडो आ गई। इतने दिन भी तो नहीं हुए तुझे जाकर, मुझे लग रहा है जैसे सालों बाद तुझे देख रही हूं। भाभी सा हम भी हैं यहाँ। पिताजी। गुड़िया रानी थोड़ी बहुत खुशी हमें भी है आपके आने की। इतने दिन में ही बड़ी हो गई। कितने दिनों बाद चपत खा रही तुम मुझसे? कितने दिनों बाद? कटिंग को मिला आपको? अरे रुक रुक करिश्मा रुक। पकड़ के तो दिखाओ भैया। इसके आने से घर कितना भर गया ना। तुझे क्या हुआ? चेहरा क्यों उतर गया तेरा? कुछ नहीं भाभी साहब, सोच रहा हूँ कुछ ही दिनों में घर फिर से खाली हो जाएगा। ये क्या है? ये तो मेरे लिए लाई है। हाँ। अगर ये कपड़े मैं पहनूंगी ना तो पूरे उदयपुर में मेरा जुलूस ही निकल जाएगा। दीदी ये ड्रेस आप पर इतना जचेगा, इतना जचेगा, और आपको देखकर जीजू इतने खुश हो जाएंगे, इतने खुश हो जाएंगे, इतने खुश हो जाएंगे। चलो जल्दी से नाश्ता कर लो, शॉपिंग के लिए जाना है, फिर शाम को शीना जी की आरती में जाना है। सुबह टाइम नहीं मिलेगा, सुबह वो लोग आ जाएंगे 11 बजे शगुन लेकर। वो कल क्यों आ रहे हैं शगुन लेकर? क्योंकि पंडित जी ने कल दोपहर का मुहूर्त निकाला है इसीलिए। ये राजवीर फोन क्यों नहीं उठा रहा? नाम हुकुम। बिल्कुल ताजे खिले खिले फूल लगाना, एक भी बासी मिला तो तुम लोगों की खैर नहीं। जी हुकुम। चलो। अरे शांति, पंडित जी ने जो सामान मंगवाया वो थाली कहाँ है? जी अभी लाई, वहाँ पड़ी हुई है। और राम सिंह नए गलीचे जल्दी डलवाओ, देर हो रही है। जी हुकुम। और ये करिश्मा कहाँ है? ये राजवीर की प्रॉब्लम क्या है? ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? आइए आइए आइए। Thank you.
गई करिश्मा। लो राजवीर कहाँ है? आशीर्वाद लो बेटा। बेटी आशीर्वाद लो। जीती रहो बेटी। जीते रहो बेटा। बैठ। क्यों, इतनी सुंदर बहू हमारे खानदान में है किसी की? राजवीर की बातों से हमें ये तो समझ में आ गया है कि इन दोनों में खूब जम गई है। अच्छा हुआ हमने राजवीर को यूरोप भेज दिया मिलने के लिए। एक दूसरे को जानना समझना जरूरी था ना? बेशक। ये राजवीर की प्रॉब्लम क्या है? आने में थोड़ी देर हो गई। लीजिए, कुंवर साहब भी आ गए। आ गया हमारा राजवीर। वेलकम राजवीर। नमस्ते। नमस्ते। जुग जियो बेटा। जीते रहें, खुश रहें। बैठो बेटा। अरे तेरा जोधपुरी तो मैंने सगाई के लिए सिलवाया था, तूने तो आज ही पहन लिया। कहीं तू ये तो नहीं चाहता ना कि तेरी सगाई हम आज ही कर दे? क्या हुआ कुंवर साहब, कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ। तो कहिए। मुझे अपने काम से 15 दिनों के लिए कनाडा जाना है। कैसा नहीं हो सकता कि ये सगाई हम आज कर लें? क्या हुआ बेटा? मुझे राजवीर से कुछ बात करनी है। करिश्मा, करिश्मा ये क्या कर रही हो तुम? तुम क्या कर रहे हो? तुमने तो कुछ और कहा था मुझसे और यहाँ आकर अपना रंग बदल दिया। मुझे नहीं पता था राजवीर इतना बड़ा धोखा दोगे तुम मुझे। धोखा तो मैंने भी खाया है तुमसे। हमारे पेरेंट्स ने हमारा रिश्ता तय कर दिया था और उसके बाद मैं तुमसे मिलने गया था और ये बात तुम जानती थी। तुम मेरे साथ हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, डांस कर रही थी, लेकिन दिल में किसी और को बैठा रखा था तुमने। लेकिन राजवीर मैंने तुम्हें बताया था कि अब कोई फायदा नहीं होगा। मैं सब कुछ भूलकर भी तुम्हारा हाथ पकड़ने को तैयार हुआ क्योंकि मैं अपना और अपने खानदान का मजाक बनता हुआ नहीं देख सकता। और तुमने जो मेरे साथ खेल खेला उसे भी मैंने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बर्दाश्त कर लिया। लेकिन अब अगर तुमने कोई भी गलती की तो उसे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। भूल जाओ करण को। बहुत प्यार करती हूँ और ये बात मैंने राजवीर को बताई थी और उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो यहाँ आकर शादी से मना कर देगा। तू फिक्र मत कर। एक बात बता, ये करण है कौन? करण चौधरी वहाँ कॉलेज में होटल मैनेजमेंट कर रहा है, वो भी उदयपुर का है। करण चौधरी उदयपुर होटल मैनेजमेंट, ये मंगल चौधरी का बेटा है क्या?
मंगल चौधरी। हाँ करिश्मा, ये तुमने क्या किया? तू कहाँ जाकर किससे टकरा गई? तू मंगल चौधरी का नाम कैसे भूल सकती? इस नाम के साथ दुश्मनी के किस्से सुनते सुनते ही तो हम बड़े हुए। चौधरी खानदानी जो हमारे घर का चीन है, उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता करिश्मा। ताई जी के हाथों की चांदी की चूड़ियों की वजह चौधरी खानदान ही है। हाँ करिश्मा, हमारे ताया जी की मौत का जिम्मेदार मंगल चौधरी का भाई अंगद चौधरी है। बहुत साल पहले कालका देवी मंदिर की पूजा में दोनों परिवार शामिल हुए थे। आरती और चढ़ावे की पहल को लेकर दोनों में विवाद हो गया। इस बार देवी माँ की आरती पहले हम करेंगे। अंगद चौधरी, सदियों से नवरात्रि की पहली आरती राठौर खानदान ही करता आया है और आज भी राठौर खानदान ही करेगा। नहीं राठौर, अब नहीं, अब चौधरी खानदान ही करेगा। हाथ छोड़ अंगद, वरना। वरना क्या? बड़ों से नहीं उलझते, अंजाम अच्छा नहीं होता। करण चौधरी का नाम शायद पहले कभी नहीं सुना होगा, वो चेहरा भी नहीं पहचाना होगा, ये भी हो सकता है। लेकिन तू मंगल चौधरी का नाम कैसे भूल गई? सुन, हमारी एक बात ध्यान से सुन, ये बात कभी भी किसी के सामने नहीं होगी। अगर ये नाम गलती से भी किसी के कानों तक पहुंच गया तो अनर्थ हो जाएगा। प्यार करती है ना उसे, तो उसकी जिंदगी के लिए तुझे उसे भूलना होगा।
परेशान करने का क्या मतलब है? तुझे उदयपुर जाना चाहिए उसके पास। हाँ, वहाँ जैसी सिचुएशन है, मुझे लगता है उसे तेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। आज फिर बिना अगरबत्ती के पूजा करनी पड़ी मुझे। पता नहीं ये बाबू सिंह, उसका दिमाग खराब हो गया है। खैर, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? वो तो गए, होटल में कुछ लोग आने वाले थे। ओफो, कल रात से मैं कह रही हूँ कि मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। कह रहे थे सुबह बात कर लो,
अब चले गए। पता नहीं मुझे बेवकूफ बनाने क्या मिलता है, पता नहीं। मैं निकलता हूँ माँ। हाँ 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 जाइए, तुम लोग साफ लोग हो जो। अरे विक्रांत सुनो, वो बात याद है ना जो मैंने तुमसे कही? माँ, पंडित जी को करण की कुंडली देनी है और उन्हें कहना है कि कल आपसे आकर मिले, मुझे याद है। चलो। पता नहीं करण की कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं। बचपन से ही घर से बाहर, इस बार वो आएगा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, बांध के रखूंगी उसे। इस साल तो उसकी शादी कैसे भी करा के रहूंगी। इन सब मामलों में मैं ही जानती हूँ सही क्या है और गलत क्या। बिल्कुल, इस बार मैं इनकी बिल्कुल नहीं चलने दूंगी। चलने क्या, बोलने भी मत देना। हाँ। करण? कैसे हो? कैसा है तू? कब आया? मैं तो कब से आपके पीछे पीछे चल रहा हूँ। एक दिन ना तू मेरी जान ही ले लेगा। अरे भाभी कैसी हो? You're looking so good. Good to see you. Come on, you're looking good. Thanks. We missed you so much. Hmm? It's good to have you again, है ना मामा? Absolutely. So handsome. बाबू सिंह, करण को बुला दो नाश्ते के लिए। जी करण भैया तो निकल गए। निकल गए? बगैर कुछ खाए पिए? गाड़ी रोके तो जरा। जी। ओह शिट, भैया की गाड़ी। करण? अरे भैया आप? तू कब आया? आज सुबह आया भैया। कैसा है? बस ठीक हूँ। अरे मुझे बताया होता मैं तुझे लेने एयरपोर्ट आ जाता। भैया मैं। रुको, कृष्णा जी ये गाड़ी लेके आप जाइए, चल तू मेरे साथ आ जा। जी भैया। अच्छा तू आ गया, और बता सब कैसा चल रहा है, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? एकदम अच्छी चल रही है भैया। अच्छा करण एक बात बता, मैं तो यहाँ हमारे एडवोकेट बलदेव जी से मिलने आया था, मगर तू यहाँ धौलीपुरा में क्या कर रहा है? मैं? भैया वो मैं ऑफिस ही आ रहा था आपसे और डैडी से मिलने। अरे ऑफिस आ रहा था तो हनुमान चौक से बाय लेना चाहिए था, यहाँ से ऑफिस कैसे आता तू? हाँ वो थोड़ा सा कंफ्यूजन था भैया, उदयपुर कितना बदल गया है ना, कौन सा रास्ता कहाँ जाता है। करण एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये इलाका राठौड़ का है, अगली बार से जब भी यहाँ पे आना दो चार आदमी साथ लेके आना, समझा? जी भैया। चल। अरे भैया अपना होटल तो रेनोवेशन के बाद बिल्कुल ही बदल गया है। तू इतने सालों बाद आया है उदयपुर, इसलिए तुझे सब कुछ बदला बदला लग रहा है। हाँ। तूने काफी सालों बाद देखा है ना? जी भैया। आजा करें। चल आजा मेरे साथ, हमने कुछ बिजनेस प्लान बनाए हैं, तू उन्हें देख और अपने सजेशंस दे। भैया आज ही तो आया हूँ, कल देख ले, आज होटल देख लेता हूँ। चल ठीक है। गुड मॉर्निंग सर, आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अचानक सब फर्स्ट क्लास है ना? बस अब सबकी बहुत याद आ रही थी, मैंने सोचा यहाँ पहुंचकर आपको सरप्राइज दे दूं। अरे वाह, गुड टू सी यू। अच्छा अपने दोस्त से मिले? वो तो किसी ट्रेनिंग पे गया ना। ट्रेनिंग? रघु जी आइए आइए, बताइए अपने सुपुत्र आमितोष जी के कारनामे बताइए। हाँ भैया, बड़ी मुश्किल से एयरलाइन के ग्राउंड स्टाफ में नौकरी लगवाई थी, नालायक 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद ही घर भाग आया। अच्छा अमितोष यहीं पे है, कहाँ है वो? ये है शकीला की चूड़िया, सबको पहनाऊंगी आज। हाँ ये ले, हो गई।
करिश्मा। अरे करिश्मा जी, आपने मुझे इन पहलवानों से बचाया, इसलिए मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। मुझे आपके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। जल्दी करो, हाथी पोल निकलना है खरीदारी के लिए। आप हाथी पोल पहुँचिए, आपका तोहफा मैं वहीं भिजवाता हूँ। करिश्मा आ जाओ बेटे, देर हो रही है, आ जाओ, चलो कम ऑन कम ऑन। ओए कुछ नहीं हुआ है तुझे, नौटंकी मत कर। मैं तो मर गया यार, ये अच्छा है। जब से करूं तो मेरी लाइफ में है ना, अभी तो सोजा का बुरा वक्त शुरू हो गया है, लाइफ ऊपर नीचे हो गई है। अरे कमाल है, वैसे आप पीते रहते, वरना आपके काम से जहाँ जहाँ लोग पीते रहते, मैं बर्दाश्त कर लूंगा यार। नहीं यार, रहने दे यार। अमितोष, आई एम हर्ट यार। अमितोष, तू कोई जरूरी बात बताने वाला था। जरूरी बात? कौन सी बात? करण, बिजी तो नहीं है ना? चलो मेरे साथ, कुछ लोगों से मिलवाता हूँ, बिजनेस के रंग ढंग सीख लो। डैड वो, अरे आई नो उस अंग्रेजी स्कूल में तुम मैनेजमेंट के टेक्निक सीख रहे हो, लेकिन यू नो द ट्रूथ इज, कारोबार के सही गुण तब आते हैं जब टेक्निक के साथ साथ एक्सपीरियंस जुड़ जाए, राइट? जी डैड। राइट, बैठो बैठो, सिट डाउन सिट डाउन। ये सिंह साहब का फोन होगा। हाँ सिंह साहब, एक सेकंड सिंह साहब, वन सेकंड। मेरा दोस्तों के साथ कुछ प्लान बना हुआ है। कमाल करते हो, पहले क्यों नहीं बताया? करण गो गो एंजॉय योरसेल्फ। ओके थैंक्स। हाँ सिंह साहब कहिए, बस हाथीपुल पहुंच ही रहा हूं। हाथीपुल? हाँ बिल्कुल। हाँ क्या हुआ? एक्चुअली मैं भी अपने दोस्तों के साथ हाथीपुल ही जा रहा था, तो वहां तक आपके साथ चलता हूँ। कमाल करते हो, पहले क्यों नहीं बताया करण। थक हारे नैना, थक 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 थक we'll be right back.
बट चुके सारे रिश्ते कट चुके उसकी नारे तुम खड़े हो और हम इस किनारे उस किनारे तुम खड़े थक थक हारे नैना थक थक हारे yes, नैना थक थक हारे जोरावर गाड़ी पीछे लो मैंने कहा ना गाड़ी पीछे लो लो आ गया तुम्हारी करिश्मा का घर आओ जी बुआ प्रणाम बुआ जी प्रणाम अरे टीकराम तुम तो बड़े दुबले हो गए हाँ क्या बात है तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर चली गई है क्या क्या करूं बुआ जी जाती कहाँ है ये भी ना वेरी फनी भाई साहब भाभी साहब अरे कहाँ है भाई साहब और भाभी साहब सब लोग कहाँ है करिश्मा बस बस इतना प्यार मत दिखा कह रही थी कि 7 दिन में आ जाऊंगी और यहाँ लग गई अपने मंडप की तैयारी में पहचान कौन है शकीरा यस ओह माय गॉड लुक एट यू बिकम सो स्लिम एंड सेक्सी एंड यू नो व्हाट अब मैं लड़कों को रिजेक्ट करती हूँ अच्छा किया तू आ गई तू अकेली आई है तू क्या बात कर रहा है यार तेरी इतने दिनों में करिश्मा से बात तक नहीं हुई टूट इतनी प्रॉब्लम तो किसी फिल्म की लव स्टोरी में भी नहीं होती यार तेरी स्टोरी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है आई मीन आजकल के जमाने में ऐसी दुश्मनी आई कैन बिलीव इट हाँ शकीरा हाँ मैं यहाँ पहुंच गया यार एवरीथिंग्स ओके वहां सब ठीक है ना अरे यार मुझे कुछ समझ आए तो बताओ ना तुझे वन सेकेंड ये लो सुकेतु से बात करो सुकेतु मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है तुम यहां आए क्यों नहीं करण करण मैं तुमसे मिलना चाह रही थी बात करना चाह रही थी लेकिन मेरे घर में करण ये सब क्या हो रहा है तुम कुछ कर रहे हो ना करिश्मा करिश्मा रो मत मैं कहता हूं रो मत मैं आ गया हूं ना सब ठीक हो जाएगा मैं सब ठीक कर दूंगा बिलीव मी चल बैठा ही कुर्सियां डलवा दे शकीरा शकीरा वो देखो वो रहा जगदीश मंदिर यहाँ के लोग बहुत मानते हैं इन्हें ओह दैट वन आई सी यार दूर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा चल ना हम लोग सब वहाँ पिकनिक के लिए चलते हैं हम ना वहाँ बहुत मस्ती करेंगे तू मैं सुकेतु करण लेकिन कैसे अरे यार तू टेंशन क्यों लेती है मैं हूं ना मैं कोई रास्ता जरूर निकालूंगा
वहां चलते हैं। चलो बुआ जी जल्दी। केतु ये पकड़ ले। अल्लाह दो। सुकेतु वहां से ना व्यू बड़ा अच्छा है। अच्छा वहां चले। चलो यार। ओ नो, मैं इतनी ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाऊंगी। बुआ जी आप भी नहीं चढ़ पाओगे ना? अरे इतना डिफिकल्ट स्पॉट क्यों चूज किया है पिकनिक के लिए? ओ गॉड, मैं तो सांस ही फूल गई। करेक्ट बुआ जी, करेक्ट। हाँ। तो सुकेतु, हाँ? करिश्मा तुम लोग ऊपर जाओ। हाँ, मैं हाँ। बुआ जी के साथ नीचे ही मस्ती कर लूंगी, ठीक है? हाँ। आइए बुआ जी। हाँ। बुआ जी चलो, चल चल जल्दी ऊपर चलते हैं। बहुत ऊपर है। शकीरा ने एक्टिंग बढ़िया की है। थक गए। क्यों नहीं अभी तक? एक काम करते हैं, हम ही चलते हैं उनके पास। अरे बुआ जी आप कहाँ जा रही हैं? मैं उनको फोन करके बुला लेती हूँ ना। हाँ गुड आइडिया। बुआ जी बुला रही हैं। हाँ अब करण, अब बुआ जी परेशान हो रही हैं यार। चलो चलो देर हो गई है। करिश्मा तो बोर हो गई है। बुआ जी बोर? आपने तो यहाँ बहुत एंजॉय किया ना। मैंने तो ऐसी जगह तो बुरी नहीं थी। चलो चलो चलो। ये तुम्हारी उसके साथ आखिरी मुलाकात थी। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। आज के बाद से हम दोनों के बीच में क्या बीच? क्या बीच में? हाँ बीच में मैंने करण चौधरी, तुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं। हेलो मंगल चौधरी मेरा नाम। हिम्मत कैसे हुई करण? तुमने सोच कैसे लिया कि राठौड़ खानदान की लड़की इस घर की बहू बन सकती? बस कुछ मत कहना करण, तुम जो कुछ कहोगे उसका कोई मतलब नहीं होगा मेरे लिए। उस राठौड़ के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं। अगर कोई रिश्ता है तो सिर्फ मौत का, अगर कोई भाषा है तो सिर्फ बंदूक की। इसके अलावा और किसी चीज की गुंजाइश नहीं।
और ये बात सबके लिए है। राठौड़ अंकल, मारवाड़ में आपकी बहुत अच्छी साख है, नाम और स्टेटस में भी एक बड़ी जगह है, मैं मानता हूं, लेकिन मेवाड़ में थोड़ी बहुत इज्जत तो हमारी भी है। और अब हमारे बीच जो रिश्ता होने जा रहा है, मारवाड़ और मेवाड़ के लाखों लोग इस रिश्ते के बारे में जान गए, और अगर आपके घर की बेटी और हमारे घर की बहू सड़क या बाजार के बीच कोई कारनामा करे तो लोगों की नजरों से कैसे बच सकता है? होश में तो हैं आप? ये रही कल कुंभलगढ़ में आपकी बेटी। करण मंगल चौधरी का बेटा। और यह सिलसिला क्रैको यूनिवर्सिटी से चल रहा है। राठौड़ अंकल, बात ज्यादा बिगड़ने से आप ही संभाल ले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर मैं कुछ करने पे आ गया तो तमाशा भी बन सकता है। करण, कल से तुम किंग पैलेस होटल में बैठो। यहां जितना संभालना है तुम्हें करण, उसके लिए काफी पढ़ चुके हो तुम। अब तुम मेरी नजरों के सामने ही रहोगे। मेरी बड़ाई अभी पूरी नहीं हुई, मैं वापस जा रहा हूं। लेकिन करण, तुम ठीक है, मेरे मना करने के बावजूद तुम अगर वापस जाना चाहते हो तो जाओ, फिर अपनी जिंदगी अपना फ्यूचर वहीं तलाशना, क्योंकि पलट कर यहां कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे। भाभी सर, आशीर्वाद दीजिए, आज हमारा एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। कौन सा काम पुरुषोत्तम? सालों से किंग पैलेस होटल की वजह से मंगल चौधरी हमसे
कई कदम आगे रहा है, लेकिन आज मानसिंह होटल पैलेस के टेंडर के बाद होटल इंडस्ट्री में हम उससे कहीं ज्यादा ऊंचाई पर होंगे। आशीर्वाद दीजिए भाभी सर। अगर बात वहां पे उलझती है तो विक्रांत को संभालेगा। तो क्या अपनी पगड़ी उनके घुटनों पे रख दूं? जब बिजनेस शुरू करना ही है तो कल से क्यों? लॉक मंगल चौधरी फॉर 500 crores। पांच सौ करोड़ चलाक, देखिए इन लोगों ने यहाँ के दलालों को खरीद रखा है। ये देखिए, इस तरह का फ्रॉड करके लोगों को खरीद के ये टेंडर हथियाना चाहते हैं ये लोग। विक्रांत, क्या हो गया आप लोगों को? बात बात पर बंदूक उठा लेते हो, कभी मंदिर में आरती के लिए तो कभी एक मामूली से टेंडर के लिए। मैं पूछता हूं, क्या हर काम में खून बहाना जरूरी है? जिंदगी से बढ़कर कोई बिजनेस, कोई कारोबार या कुछ भी हो सकता है क्या? तरस आता है मुझे आप लोगों की सोच पर, और हंसी आती है आजकल के जमाने में आप जैसे लोग भी हैं। एक्चुअली मुझे आप लोगों पर तरस भी नहीं आता, क्या हुआ? क्या हुआ हुकुम? क्या हुआ चाचा जी?
मैं करिश्मा की बात ही नहीं कर रहा हूँ डैडी, ना ही मैं बात कर रहा हूँ अपनी प्रेम कहानी की। मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये जो हो रहा है दोनों तरफ से, इससे मिल क्या रहा है हमें? बस जाहिलों की तरह मौका तलाशते रहते हैं, तरीके ढूंढते रहते हैं कैसे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएं। क्यों, हम इस सिलसिले को खत्म क्यों नहीं कर सकते? खत्म नहीं होगा ये करण, हमारे रिश्तों की जड़ तक जहर भर गया है। तुम क्या जानो करण, कितना गहरा घाव है यहां इस सीने में। ये अंगद मेरा छोटा भाई, तिल तिल के बड़ा होते हुए देखा है मैंने इसे। एक दिन मेरे कंधों से ऊपर आ चुका था, जब साथ चलता था तो सीना चौड़ा होता था मेरा। एक दिन घर से बाहर निकला और वापस नहीं लौटा। राठौर ने इसे मरवा दिया था, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं, और जानकर भी, लेकिन कैसे मान लू कि अब ये इस दुनिया में नहीं। अगर लाश जलाई होती तब ना मानता, लेकिन अंगद की लाश तक नहीं मिली। ये जानकर भी कि तू इस दुनिया में नहीं है, मैं तेरी तस्वीर पर हार नहीं जा सकता। अब एक बात अच्छी तरह से समझ लो तुम सब, राठौर खानदान को लेकर मेरा जो नजरिया है उसके साथ चलना होगा। सब तो चल रहे जैसे आप चाहते हैं, किसी को हिम्मत ही नहीं आपके सामने आवाज उठाने की। आपका भाई चला गया वो दुख हम समझ सकते हैं, लेकिन वो क्या लेकर गया क्या छोड़कर? नरोत्तम राठौर को मारकर उसने राजपूत होने का सबूत तो दे दिया, लेकिन नतीजा उस परिवार में उस औरत के बारे में सोचा, उसके माथे का सिंदूरी उजाड़ दिया। और जब वो नरोत्तम राठौर पर गोलियां दाग रहा था तो ना ही उसने उस औरत के बारे में सोचा और ना ही अपनी पत्नी के बारे में। वो तो मेरी बहन थी, मेरी अपनी बहन उर्मिला। और जब मैंने रेलवे पटरियों पे उसके टुकड़े टुकड़े देखे तो मैंने सोचा कि क्यों क्यों मैंने इसकी शादी अंगद चौधरी से करवाई, क्यों? मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ कि जो चला गया वो तो चला गया, वो ना ही लौटेगा। लेकिन जो बचा है वो तो आप संभाल सकते हैं। माँ, 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 क्या होता? माँ, नंदिनी पानी ला। लाइए, मुझे दीजिए। चलिए। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, आप जल्दी ठीक हो जाइए। अब जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा, अब मुझसे ऐसा कुछ नहीं होगा जैसे आपको तकलीफ हो। गुड़िया, रोते नहीं बेटा। नाम की मेहंदी लगेगी। टीकमगढ़ का शगुन लौटा दिया गया, अब करण के यहां पर शगुन भेजने की तैयारी हो रही है। पिताजी ने सब कुछ बदल दिया।
पैसा? पुरुषोत्तम, मुझसे गलती हो गई भाभी सा। जिंदगी में पहली बार ये मुझसे हुआ है, लेकिन ये कोई निर्णय नहीं है, मन का एक विचार है, और विचार क्या भाभी सा, एक पाप होने की लाचारी कह लीजिए इसे। करिश्मा का शगुन लेकर जा रहा है ना मंगल चौधरी के यहाँ। करिश्मा उसके छोटे बेटे करण को प्यार करती है, तू सिर्फ इतना जानता है, पर मैं जानती हूं कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है, और उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। ना 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 बेटे, तेरी जगह वहां नहीं, यहां है। ताईसा, I'm sorry। बस बस बस, तेरा बाप तो सिर्फ मेरी आंखें नम करके गया, तू मुझे रुलाएगी क्या? समधन बनाना चाहते हैं आपको, बेटी के रिश्ते का शगुन लेकर आए हैं। अब करण और करिश्मा, हमारे बीच जो नफरत की खाई है उसे पाटने के लिए ही इस दुनिया में आए हैं। एक ही दिन उन दोनों के जन्म का मतलब ही है विधाता का शुभ संकेत। मंगल, अपने दिल से कड़वाहट का गुबार निकाल दो और रिश्तों की मिठास का शगुन स्वीकार लो। Thank you.
मजाक बनाया है हमारा पुरुषोत्तम राठौड़ ने। भरोसा नहीं होता एक राजपूत इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। जाओ ये चूड़ियां पुरुषोत्तम राठौड़ को दे देना और उनसे कहना कि इन्हें पहनकर अपनी बेटी का कन्या दान करें। जिस आदमी के भाई ने मेरे पिताजी के माथे पर गोली मारी हो उस आदमी के पैरों की पूजा इस घर में होते हुए नहीं देख सकता मैं। मैं तेरी मां हूं, वो तेरे पिता बाद में है, पहले वो मेरे पति थे और आज यहां जो कुछ भी हो रहा है ना मेरे फैसले के बाद हो रहा है। तू निकल जा यहां से। ना अब तो ना जाऊं मैं कहीं भी, अब तो मुझे यहीं बैठकर इस खेल का भरपूर मजा लेना है। विक्रांत बस करो। भैया रुक जाओ।
मासा हटिए, मासा ठीक है भाभी सा? मंगल, जितनी जल्दी हो सके अपने सूरमाओं को लेकर यहां से चले जाओ, नहीं तो भाभी सा का गर्म खून मुझसे कुछ भी करवा सकता है। करण, विक्रांत चलो। जी डैड। Thanks guys for all your support. अब क्या होगा करण? दो ही बातें होनी है, या तो करिश्मा मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, देखते हैं। अरे तुम लोग को जाना है या नहीं? फ्लाइट का टाइम हो गया है। थैंक्स गाइस, ध्यान रखना। बाय 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 बाय। यार करण, मैं तो कहता हूँ तुझे करिश्मा से वहां शादी करके फिर यहाँ आना चाहिए था। बात बनती या बिगड़ती, फिर जो होता हो जाता यार। अच्छा छोड़, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। हेलो करण जी। भैया तुम कहाँ हो अभी? भैया मैं अपने दोस्तों को एयरपोर्ट पे छोड़कर अभी निकल ही रहा हूँ। तुम एयरपोर्ट अकेले क्यों गए? भैया मुझे जरूरत नहीं लगी, इसलिए मैं किसी को साथ नहीं लेकर आया। करण मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम कहीं भी जाओ तो सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारे साथ होने चाहिए। भैया मैं For God's sake, Karan, for God's sake. कम से कम इतना तो पता होगा कि ये एक्सीडेंट था या किसी ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की है। करण, हमारे लिए जानना जरूरी है, वरना दुश्मनों को शय मिल जाएगी कि हम डर गए। भैया मैं कितनी बार कह चुका हूँ, मुझे पता नहीं कौन थे वो लोग और किसकी गाड़ी थी। आप कहते तो काम पूरा भी कर देता मैं। नहीं, मैं बस इतना ही चाह रहा था। मुझे तो बस चिंगारी छोड़नी थी जो मैंने छोड़ दी। अब आपकी लपटें अपने आप ही उठेंगी। मुझे पूरा यकीन है कि ये काम उन्हीं लोगों ने किया है। ये जो नई कहानी तुमने शुरू की है, अच्छा नहीं किया। हमारे बेटे करण की जिंदगी हमारे लिए कितने मायने रखती है ये हम तुम्हें अच्छी तरह से बता देंगे। बिल्कुल बच गया महाभारत का। चाचा जी ने मिस्टर राठौड़ को चैलेंज कर दिया है, अब क्या बंदूकें चलेंगी। तीन चार यहां मरेंगे, पांच वहां मरेंगे और फिर कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। क्या कहा डैड ने राठौर अंकल से? करण की जिंदगी का हमारे लिए क्या मतलब है ये हम तुम्हें बताएंगे। यार करण, ये भगवान भी ना चीजों को उलझाने में मजा लेता है। अरे जब भाई, जब दो परिवारों के बीच दुश्मनी थी तो एक क्या लड़का एक क्या लड़की क्यों पैदा की? अब पैदा कर ही दिया तो उन्हें मिला है क्यों? और अब मिला ही दिया है तो मिला क्यों नहीं रहा है?
दिमाग खराब हो गया है तेरा? पागल हो गई है तू? मरना चाहती थी? हाँ मरना चाहती हूँ, क्योंकि करण के बिना जी नहीं सकती। यहाँ सबको अपनी अपनी पड़ी है, सब अपनी खुशी और अपने ईगो के लिए जी रहे हैं यहाँ पे। किसी के दुख और आंसुओं का कोई मतलब नहीं किसी के लिए। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है माँ, ऐसा ही है। मैं घुट घुट कर नहीं जीना चाहती। घुट घुट कर तो मैं भी नहीं जीना चाहता। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। कुछ नहीं होगा। क्या करेंगे ये लोग? गोली मार देंगे ना, तो मार देने दो। हम जी कर नहीं मिल पाए तो मर कर तो मिलेंगे। जा करिश्मा, अपनी जिंदगी जी, यहाँ की घुटन से आजाद हो जा। करण, करण,
करण एरिया को चारों तरफ से सील कर दो। जी सर। चप्पा चप्पा छान मारो। ओके सर। गांव वालों ने उन दोनों को आखिरी बार इसी तरफ देखा। इस तरफ मतलब नदी में कूदते हुए देखा? नदी में तो कूदते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो दोनों यहाँ से आगे नहीं गए, क्योंकि यहाँ हर जगह हमने चेक पोस्ट लगा रखी। साहब, साहब, यही मिला है। इसे पहचानते हैं? देखिए, इस दवा के असर से ये करीब 12 घंटे तक सोएंगी जी। और इनके लिए नींद बहुत जरूरी है जी। मैं कल वापस आऊंगा, इस बीच अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करिएगा। शुक्रिया डॉक्टर। जाइए, लाकर उसकी लाश रखिए मेरे सामने। अपनी दुश्मनी के आग में झोंक दिया उसे आपने। हत्या हुई है मेरी बेटी की, और आपने की है वो हत्या, आपने की है वो हत्या, आपने। भाभी साहब, करिश्मा, संभाल अपने आप को। भाभी साहब, इस सच को मान लो कि मैंने करण को खो दिया। क्या करण अब इस भाभी सा, कैसा पाप हूं ना मैं। अपनी ही बेटी के चेहरे पर मेरी आंखें टिकी नहीं। उसकी खुशी, उसकी उदासी,
को पढ़ा ही नहीं मैंने, और आज जब अपनी भूल का एहसास हो रहा है वो चेहरा सामने नहीं है भाभी साहब, अपनी बात कहने दीजिए मुझे, उसके बाद अगर आपको लगता है तो गोली मार दीजिएगा मुझे। करिश्मा से शादी कर ली है मैंने, और हमारा ये करना तय था, जिस तरह से आपके और चौधरी अंकल के इरादे तय थे कि आप हम दोनों को कभी नहीं मिलने देंगे। आप जो चाहते थे उससे आप क्या पाने वाले थे मुझे पता नहीं, लेकिन हम समझ गए थे कि शादी के बाद दोनों घर के दरवाजे हमारे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, क्योंकि हमारा ये फैसला आप दोनों को कभी स्वीकार नहीं होता। फिर सवालों ने बहुत उलझाया हमें, क्या हम दोनों आप सबसे अलग रहकर खुश रह पाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ सूझ नहीं रहा था हमें। इंडिया छोड़ने का प्लान भी किया हमने, लेकिन वो भी सही नहीं था। हमने मरने का फैसला ले लिया, लेकिन वो भी गलत रास्ता होता, वो हमारी मुश्किलों का अंत होता, पर आप सब के लिए जिंदगी भर का दुख। फिर एक सवाल, आप लोग जिनसे हमारा 22 साल का रिश्ता है, क्या 6 महीने के बने रिश्ते के लिए 22 साल के रिश्ते को ठुकरा देना ठीक होता? और हम दोनों को लगा कि ऐसी गलती होगी जो जिंदगी भर हमारी खुशियों पर कलंक का टीका बनकर हमें कोसती रहेगी, और हमारे कदम यहां की ओर मुड़ गए। बेटी, मैं करण का डैडी बोल रहा हूं, मेरी बात अपने पिता पुरुषोत्तम राठौड़ से करवा देना। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वो मेरा समधी बनना स्वीकार करेंगे। पुरुषोत्तम बोल रहा हूं, इससे पहले कि कोई नई अड़चन आए हमें यह मंगल कार्य जल्दी कर लेना चाहिए। प्यार करना न था, प्यार करना पड़ा।
चढ़ा।